SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਨੈਲੋ ਵੱਲੋਂ ਖੂਬ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਘੇਰਿਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ मुख्य मंत्री पूरी तौर पर इनकेपेबल है इस तरह की क्राइसिस की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। और मैंने तो पिछली बार भी जब दुर्घटना हिंसक प्रदेश के अंदर हुई थी राजनाथ सिंह जी से ओवर द फोन भी बात करी थी और उनसे मांग करी थी कि सिचुएशन को आप कंट्रोल में लो और उसके बाद प्रदेश कहीं ना कहीं शांति की तरफ आया था। पर आज भी जो स्थिति हो रही है और बारी बारी कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को सरकार हैंडल नहीं कर पा रही। अगर प्रदेश के अंदर कोई भी हिंसक दुर्घटना होगी उस दुर्घटना के पूरी तौर पर जिम्मेवार प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश के गृह मंत्री जो है वो होंगे। और आज जिस तरीके से बारी बारी हम देख रहे हैं कि बातचीत का दौर चलकर भी जो मांगे और मांगे मैंने भी लोकसभा के फ्लोर पर उठाई है कि अगर एक मंत्री के घर को जलाने के लिए दो दो एफआईआर कर दी जाती है एक सरकारी प्रॉपर्टी को जलाने के लिए एक एफआईआर कर जाती है और उन तीनों एफआईआर को सीबीआई को रेफर कर दिया जाता है क्यों नहीं सरकार जो 31 युवा साथियों की जान गई थी और वो कोई एक जाति विशेष से नहीं थी